मंचासीन भारत के माननीय राष्ट्रपति जी एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी, मेरे सहयोगी मित्र श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के सचिव अनिता अग्निहोत्री जी और मन सामने बैठे सभी आज के इस वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार में सभी आए सदस्यगण और इस क्षेत्र में लगे हुए एनजीओस जिन्होंने इस समाज के लिए वृद्धजनों के लिए समाज में सेवा का कार्य कर रहे हैं और आज इस पुरस्कार में शामिल होने के लिए मैं सभी को सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पुरस्कार की शुरुआत हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2013 से शुरू हुए और तब से ये प्रावधान भी रखा गया कि इसमें भारत के माननीय राष्ट्रपति जी पुरस्कार उन सबको पुरस्कृत करेंगे जिन्होंने समाज के इस वर्ग में काम किया, तो उसी से झलकता है कि इस पुरस्कार के लिए मंत्रालय और भारत सरकार कितनी गंभीरता से इसको लेती है और इस पुरस्कार का कितना बड़ा महत्व है। ये इसी बात से तय है कि इसका उन वृद्धजनों को, उन वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान करने के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति जी उनको पुरस्कृत करते हैं। और क्योंकि उन्होंने आज आकर हम सभी के लिए एक जहां उनसे हमें प्रेरणा मिलती है और उन्हें हमें कृतार्थ किया है कि ऐसे समारोह में आके उन्हें आप सबको पुरस्कारित करने के लिए हमें प्रेरणा मिली। और जैसा कि हम हमारे विभाग के हमारे मंत्रालय के मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी जिनके कुशल नेतृत्व में हमने पिछले 2 साल में बहुत सारे काम किए और चाहे वो समाज के अनुसूचित जाति वर्ग में हों, पिछड़ा वर्ग में हों, चाहे भिक्षावृत्ति के मामले में उसकी रोकथाम के लिए हो, चाहे विपरीत लिंगी जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं उसके उस वर्ग के लिए भी काम किए। और अगर पिछले माह का ही हम कार्य देखें तो विश्व में सबसे ज़्यादा कार्य करके वर्ष विश्व कीर्तिमान बनाने में इस मंत्रालय में माननीय थावरचंद जी के नेतृत्व में हमने एक बहुत अच्छे काम किए हैं। और जैसा कि आप सब जानते कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांगों के लिए उन्होंने एक कैंप लगाकर एक इस विभाग को एक उच्च श्रेणी में लाकर खड़ा किया है। और साथ ही मैं अपने साथी मित्र श्री कृष्ण पाल जी गुर्जर जी जो मेरे साथ माननीय थावरचंद गहलोत जी के साथ काम करते हुए हम इस विभाग के कार्यकुशलता को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनका भी यहाँ पधारने पे उनका भी अभिवादन करता हूँ। और विशेष तौर पर सभी आप सब जितने भी इस समारोह में शामिल हुए एनजीओस हैं और जिन वरिष्ठ नागरिकों ने आज पुरस्कार प्राप्त करने उन सबको बधाई भी देता हूँ और जिन एनजीओ ने इस क्षेत्र में काम किया है उनके लिए भी बधाई देता हूँ। और साथ साथ आशा भी करता हूँ कि बाकी जो हम वरिष्ठ जन की उत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ अतिथि और सभी हम इस कार्यक्रम को और बड़े बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं सभी का अभिवादन करता हूं और अपेक्षा भी करता हूं कि हमें इससे प्रेरणा भी मिलेगी कि और जहां उनको मैं बधाई उनको पुरस्कार प्राप्त करने वालों को बधाई भी देता हूं और उनसे हमें प्रेरणा भी मिलेगी
और बाकियों में भी ऊर्जा जहाँ उन इस विशेष तौर पे इस वर्ग के जो हम वरिष्ठ नागरिक हैं उनमें ऊर्जा भी मिलेगी और साथ साथ हम सब नौजवानों और बच्चों के लिए ये प्रेरणा भी मिलेगी। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको जिन बधाई देता हुआ आपका अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वृद्धावस्था के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्था जेरियाट्रिक केयर एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भुवनेश्वर ओडिशा श्री हरीश चंद्र कर और डॉक्टर ब्रज वल्लभ कर पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस निमहंस बेंगलुरु कर्नाटका प्रोफेसर श्रीमती एस आर चंद्रा तथा डॉक्टर पी टी शिव कुमार। वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने तथा जागरूकता सृजन हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्था आस्था सेंटर फॉर जेरियाट्रिक मेडिसिन लखनऊ उत्तर प्रदेश डॉक्टर अभिषेक शुक्ला सचिव। जनसेवा फाउंडेशन पुणे महाराष्ट्र डॉक्टर विनोद शाह चेयरमैन तथा श्रीमती मीना शाह। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत कार्यालय जिला पंचायत झाबुआ मध्य प्रदेश श्री अनुराग चौधरी सीईओ। वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं तथा सुविधाएं प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय नगर निगम रीवा मध्य प्रदेश श्री कर्मवीर शर्मा कमिश्नर पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। बेस्ट स्टेट इन इंप्लीमेंटिंग द एमडब्ल्यू पीएसी एक्ट 2007 एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड फैसिलिटीज टू सीनियर सिटीजन्स डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी एंड सीनियर सिटीजन्स बेंगलोर कर्नाटका श्रीमती उमाश्री मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड श्रीमती उमा महादेवन प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। वरिष्ठ नागरिकों के कुशल क्षेम तथा कल्याण को प्रोत्साहित करने वाला सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन भिलाई स्टील प्लांट भिलाई छत्तीसगढ़ श्री पी एस भदौरिया कार्यकारी निदेशक और श्री एच रॉय चौधरी महाप्रबंधक। शतवर्षीय डॉक्टर एच श्रीनिवासैया बेंगलोर कर्नाटका। डॉक्टर दारम नागभूषणम करीमनगर तेलंगाना। श्री नूरुल हुडा डिब्रुगढ़ असम। प्रतिष्ठित माता श्रीमती माकाबाई अकाराम यादव सांगली महाराष्ट्र। आजीवन उपलब्धि
सुश्री उर्मिल कुमारी पटियाला पंजाब डॉक्टर अनिल कुमार चतुर्वेदी दिल्ली सृजनात्मक कला श्री जगन्नाथ बहेड़ा ओडिशा श्री मोतीलाल केमू जम्मू कश्मीर खेलकूद और साहसिक कार्य डॉक्टर भगवती एम ओझा वडोदरा गुजरात और अंतिम पुरस्कार कैप्टन सेवानिवृत्त गुरजीवन सिंह सिद्धू चंडीगढ़ भारत के माननीय राष्ट्रपति जी माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री सावरचंद गहलोत जी मेरे साथी राज्य मंत्री श्री विजय सापला जी विभाग की सचिव श्रीमती अनिता अग्निहोत्री जी तथा मंत्रालय के सभी अधिकारीगण अन्य केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के अधिकारीगण राज्य सरकारों के अधिकारीगण राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्तागण अन्य विख्यात आमंत्रित व्यक्ति गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधिगण वरिष्ठ नागरिक मीडिया के लोग देवी और सज्जनों सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आज इस प्रतिष्ठित वयोश्रेष्ठ सम्मान के सभी विजेताओं को दिल से बधाई देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के पास सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपेक्षित सामाजिक समूहों और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का कार्य है। इस कार्य को पूरा करने हेतु इस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत दो विभागों द्वारा कार्यकलापों की रूपरेखा तैयार की जाती है, उनकी आयोजना बनाई जाती है तथा क्रियान्वित किया जाता है। वृद्धावस्था में समय के साथ साथ वैसे भी शारीरिक निरोगता आती है, जैसे कि किसी भी अन्य समूह के दिव्यांग व्यक्तियों को भी शारीरिक निरोगता होती है। यह सराहनीय बात है कि मंत्रालय इस मामले पर गंभीरतापूर्वक उत्साह के साथ कार्य कर रहा है। हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में दिव्यांगजनों की सार्वभौमिक अगमता हासिल करने के उद्देश्य से सुगम्य भारत अभियान नामक एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय ने दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के लिए अवरोध रहित वातावरण तैयार करने के लिए सुमेलित दिशा निर्देश और स्थान संबंधी मानदंड जारी किए हैं। इनके अंतर्गत उम्र के अनुकूल सुविधाओं और सार्वभौमिक डिजाइन के मानकों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे दिव्यांगजन उनके साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी सार्वजनिक भवनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों में आसानी से प्रवेश करना सुनिश्चित हो सकेगा। इस मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के सक्रिय सहयोग से शिक्षा जांच शिविरों जैसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम कुछ माह पूर्व फरीदाबाद में आयोजित किया गया था, जिसमें वृद्धजनों के शिक्षा जांच के साथ साथ जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को चलने की छड़ी जैसे सहायक उपकरण प्रदान किए गए थे। वाकाथन, चिकित्सा शिविरों इत्यादि के साथ पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का समारोह आयोजित होने से वृद्धजनों से संबंधित मुद्दों के बारे में
ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता के संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी और इससे अंतर पीढ़ी लगाव भी बेहतर होगा। सामाजिक समावेशन तथा परिश्रमों के लिए सम्मानपूर्वक जीवन सुनिश्चित करने हेतु सच्चे प्रयासों के माध्यम से ही समाज उस ऋण से मुक्त होगा जो वरिष्ठ नागरिकों ने आज की युवा पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने जीवन के पूर्ववर्ती वर्षों को नौछावर किया है। अंत में मैं आज सभी पुरस्कार प्राप्तकर्तागणों को बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत के आदरणीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, मेरे मंत्रालय में मेरे साथी कृष्णपाल सिंह जी गुर्जर साहब, विजय सांपला जी और विभाग की सचिव अनिता अग्निहोत्री जी, आज वयोश्रेष्ठ पुरस्कार समारोह में जो पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं ऐसे सभी महानुभाव उपस्थित आशीर्वाद दाताओं, सहयोगी साथियों, पत्रकार मित्रों और अन्य सभी उपस्थित महानुभावों, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। मैं भाव विभोर हूं, अभिभूत हूं। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व दिया। 80 करोड़ जनता से संबंधित योजनाएं मेरे मंत्रालय द्वारा हम संचालित करते हैं। पिछले दो सवा दो वर्षों में नरेंद्र मोदी साहब के मार्गदर्शन में और राष्ट्रपति जी के आशीर्वाद से उनका निरंतर हमको प्रेरणादायी उद्बोधन हमारे भिन्न भिन्न विभागों के कार्यक्रम में मिलता रहा है, उनसे प्रेरणा हमको मिली है। मेरा मंत्रालय निरंतर सारे देश में इस मंत्रालय की पहचान बनाने में सफल हुआ है। आज का यह आयोजन चौथी बार हो रहा है। हर वर्ष वृद्धजन क्षेत्र में संस्था के रूप में, व्यक्तिगत कामकाज के रूप में जो प्रेरणादायी काम करते हैं, अनुसरण करने जैसे काम करते हैं, उनका हमारे मंत्रालय की एक समिति चयन करती है और उनको पुरस्कृत किया जाता है। ये पुरस्कार, ये सम्मान समारोह इसलिए आयोजित होता है कि इन वर्गों में हम सबको काम करने की प्रेरणा मिले और हम अपने कर्तव्यों का बोध करने में कुछ सोच सकें। वृद्धजन सशक्तिकरण की दृष्टि से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से पेंशन देने की योजना है, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है और मेरे मंत्रालय की ओर से ऑटोनॉमस बॉडी की द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जाती है और हम इन सब योजनाओं को कार्यान्वित करने में निरंतर प्रगति के पथ पर हैं। इस संबंध में लालन पालन संबंधी कानून भी बना हुआ है। हम राज्य सरकारों के माध्यम से, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रयास करते हैं कि उस कानून का पालन भी हो और वृद्धजनों का जीवन भी सुखमय व्यतीत हो। आप और हम सब ये देख रहे हैं कि वृद्धजनों में और वर्तमान पीढ़ी में एक पीढ़ी का अंतर आता है और जब एक पीढ़ी का अंतर आता है तो वर्तमान पीढ़ी भौतिकवादी होकर के पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगी है। इस कारण से भारत में वृद्धजनों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, कानून होने के बाद भी उसमें कमी आती जा रही है। आवश्यकता है हमको हमारी संस्कृति का ज्ञान करके, अध्ययन करके वृद्धजनों के प्रति जो
सम्मान के भाव हमारे होना चाहिए वो उन्हें देने की। आपने और हमने सबने टीवी पर देखा होगा, एक सास को जो लगभग 75-80 साल से अधिक उम्र की थी, चलने फिरने में असमर्थ थी, उसकी बहू उसको मार रही थी। सामने वाले मकान वाले वो सारा दृश्य देख रहे थे, फिल्मा भी रहे थे और उनसे आग्रह कर रहे थे कि मत मारो, ये बुजुर्ग माँ साहब है, इनको क्यों मार रहे हो। फिर भी वो उसको मारे जा रही थी। वीडियो बनाया उन्होंने और उस वीडियो की जानकारी संबंधित पुलिस थाने में दी। जब पुलिस वहाँ पहुँची और उस बुजुर्ग माताजी से पूछताछ की और कहा कि क्या आप रिपोर्ट करना चाहेंगे, तो उसने कहा नहीं, मैं रिपोर्ट करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरी बहू है, मेरी बेटी के समान है, मेरा अपना उसके प्रति अपनत्व है, उसने नादानी की होगी पर मैं उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ। ये ममत्व एक माँ और एक सास ने दुनिया को दिखाने का काम किया है। हमको याद करने की आवश्यकता है कि हम जब पैदा हुए तो हमारे माँ बाप ने और वृद्धजनों ने हमारी उंगली पकड़ करके हमारे बचपन को संवारा, हमको किशोरावस्था में लाने का काम किया और युवा भी बनाया, विवाह भी रचाया, हमको साधन संपन्न बनाया। क्या हम जब वो बुजुर्ग हो रहे हैं, वो चलने की स्थिति में नहीं है, तो जैसे उन्होंने उंगली पकड़कर हमारे को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, हम उनकी उंगली पकड़कर उनका बुढ़ापा नहीं सुधार सकते क्या? ये गंभीर विषय है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मेरे मंत्रालय ने इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके अनेक योजनाएँ बनाई है। हमने जो सीनियर सिटीजन काउंसिल है हमारी, उसका पुनर्गठन करके उसमें बैठक भी की है, जो सुझाव आए हैं उन सुझावों के आधार पर हम वृद्धजनों के लिए आगे भी कुछ योजनाएं कार्यान्वित करने का विचार कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक हम उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। हमारे यहाँ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भी है। मैं आपको खुशी के साथ ये कहता हूँ कि हमने उस विभाग को जीवंत बनाया, चैतन्य बनाया और देश और दुनिया में ये पहचान बना दी कि दिव्यांगजनों के प्रति भारत सरकार गंभीर है। और पिछले 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। 11,330 लाभार्थियों को एक ही समय एक ही कैंप में 11 करोड़ 40 लाख से अधिक की धनराशि के उपकरण उपलब्ध कराए। 1700 लोगों को हमने सुनने की मशीनें उपलब्ध कराई, बाकी जिसको जिस प्रकार की आवश्यकता थी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। हमने निर्णय लिया है कि वृद्धजन महानुभावों को भी अगर चलने में कठिनाई होती है तो हमको उन्हें छड़ी देना है। जो आधुनिक छड़ी हमने बनाई है वो हम उनके चलने फिरने की सुविधा की दृष्टि से वो छड़ी देने वाले हैं। बहुत सारे वृद्धजनों को सुनने में दिक्कत आती है तो सुनने की मशीन देने का निर्णय लिया है, व्हीलचेयर आदि देने का भी निर्णय लिया है और मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आपको कि जल्दी ही इस प्रकार की सारी सुविधाएं हम वृद्धजनों को देने का काम करेंगे। समय अभाव के कारण बहुत सारी योजनाएं हैं पर मैं उन सब का उल्लेख यहाँ नहीं करना चाहूँगा। मैं राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। सच पूछिए मैं बहुत भाव विभोर हूँ। मैं उनके साथ 8 दिन की विदेश यात्रा पर था, मुझे देख करके लगा कि ऐसे महान लोग अगर हमारे देश के राष्ट्रपति हैं तो देश को गौरवान्वित करने का काम दुनिया में हुआ है। ऐसा ही प्रधानमंत्री जी भी काम कर रहे हैं और दोनों के आशीर्वाद से, दोनों के मार्गदर्शन में मेरे विभाग को हम चैतन्य बना करके और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राष्ट्रपति जी आपका आशीर्वाद स्नेह मिलता रहे, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, इसी प्रार्थना के साथ आप सब यहाँ आए, आप सबका अभिवादन करता हूँ, मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री थावरचंद गहलोत जी, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट,
Shri Krishnabal Gujar sir, Minister of State, Social Justice and Empowerment, Shri Bijoy Shamplaji, Minister of State for Social Justice and Environment, Srimati Anita Agnihotri, Secretary to the Department, distinguished older citizens and award winners, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am indeed happy to have the opportunity of being amidst you on this very happy occasion. I am happy that in 1990, the United Nations Organization thought it appropriate to declare a particular day as the International Day of Olders to focus the attention of the community. United Nations passed series of resolutions 1991, 1992, and they gave a call to create a society which will be society for all ages. This concept was, of course, declared in the social summit organized at Denmark in 1995, where more than 85 heads of states and governments were present, and it was well recognized that many of the social responsibilities cannot be discharged by the state machineries alone. State initiative being added with the contributions of the non-governmental organizations, various social bodies, contributions of various public-spirited individuals and groups are all to be channelized to achieve the objective of the society, which was termed as the ageless society for all ages. All society for all ages, where every individual will have its right and responsibilities. To us, this concept was not very new. Our social values, our core civilizations taught us many, many years ago, millennia ago, who are the leaders of the society. Pitri Devo Bhavo, Matri Devo Bhavo, Acharya Devo Bhavo. Teacher and parents, they are equal to gods. And in this concept, you find that the elders are taken care of. Of course, with the process of the social changes, the concept of nuclear family, modern way of life, and demand of the modern societies to a considerable exchange has tried to have an impact, of course, adverse impact, on this very concept, but still it is nourished. As Thawarji was very correctly saying, that this is the social compact we have. When I'm young, my parents, my elders, guide me to have a smooth passage in life. When they become old, the responsibility is transferred to us to help them, to provide them the guidance
in whichever way they want. That's why the social system strengthens and is bonded. Our constitution also recognizes that fact. In the chapter of the directive principles of the state policy, under Article 41, it was clearly stated that state should formulate its policies in such a way that every individual have equal rights, have the right to live a dignified life with their responsibilities and to create that social environment. I'm grateful to the Ministry of Social Welfare and Empowerment, as I had the privilege in 2013 to present the first batch of awards to the Vayoshreshtha, to the senior elder citizens. Ministry of Social Welfare and Empowerment is doing good job, complemented by the various other ministries, to provide some relief to the elders of our society. Reliefs in taxation, reliefs in travel by providing escorts, and reliefs in medical assistance to have access to the Medicare. But the problem is gigantic. Right now, when I'm speaking before you, there are 5.2 crores of older people above age group of 60, male. 5.3 crores female, total more than 10.5 crores. Just within the next 10 years, today we are talking of 2016. In 2026, this number would be more than 17 crores. That means the additional health infrastructure, additional trained persons, additional skilled personnel will be required to help the people. Forget about the financial responsibilities. Even if the government is able to bear that responsibilities, Ministry is ready to pay, but inadequacy of the trained, skilled personnel to provide the necessary care to the elderly persons is absolutely needed. I am indeed very happy and I congratulate for all the award winners. It not only shows their strong determination, courage of conviction, spirit, which has not withered with the ages, which is still in there, and that has still their nerves to face all odds and act as source of inspiration to us. On behalf of the people of this country, I salute you. I congratulate you for your wonderful achievements. Distinguished ladies and gentlemen, I would just like to express my appreciation to the Ministry of
welfare and social empowerment for the good jobs they are doing. And I will simply advise them, as the minister mentioned. My advice is needed. My simple advice, keep the flag high. Move ahead with courage and conviction. Surely you will be able to provide the necessary relief to the needed. It is in one way. We are paying back our debts. We are indebted to our elders. And therefore, the society has the responsibility, rather the compulsion, to pay back their debts to their elders. We are just doing that. We are not doing any charity to anybody. Simply, we are discharging our responsibilities, which is part of our social compact. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind.